और एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो अब हम पहुंचने वाले हैं द्वाराहाट और उसके बाद हम जा रहे हैं दूनागिरी मंदिर। थोड़ा सा लेट हो गए हैं दिन में जा रहे हैं क्योंकि सुबह के टाइम काफ़ी भीड़ होती है, और तो अभी हम निकल जाएंगे दूनागिरी मंदिर और उसके बाद फिर शाम को थोड़ा सा घूम के वापस भी आ जाएंगे। तो चलिए दिखाती हूँ आज आपको दूनागिरी मंदिर, और देखिए दर्शन कराती हूँ आज दूनागिरी मंदिर का। काफी मान्यता है इस मंदिर का। और क्या बोल रहे हो आप, बोलो आपका नाम क्या है? हार्दिक। बोलो हाय गाइस, मेरा नाम हार्दिक बिस्ट है। हार्दिक बिस्ट, ये कौन? पापा, पापा बिस्ट। पापा बिस्ट, पापा बिस्ट। तो अभी हम मामा दादू के यहाँ से आ चुके हैं और इधर काफी अच्छा लग रहा है। कच्ची वाली सड़क से जा रहे हैं बहुत ही धीरे धीरे स्लो मोशन में। तो वहाँ पे भैया लोग आने वाले हैं, तो सब लोग जाएंगे वहाँ से फिर इकट्ठे दूनागिरी मंदिर। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो मेरे चैनल पे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं वीडियो में। हम जा रहे हैं, कच्ची रोड है, तो ये देखिए ऊपर सारा जंगल है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। मेरा मन तो कर रहा है मैं उतर के वहाँ पर थोड़ा थोड़ी देर घूमूँ जंगल में। और ये कच्चा रास्ता है, थोड़ा सा अभी इधर बना नहीं है, नीचे से बनते हुए आ रहे हैं, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे फिर ज़्यादा टाइम हमें लगेगा नहीं इधर आने में। ये रूट है चकुटिया से दौराहाट वाला। तो ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे, अभी जो रास्ता है बहुत सुंदर लग रहा है अपने यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा गड्ढा सा हो रहा है ग्राउंड से। अरे नहीं अभी और है ना मंदिर, बेटा से बोलते कोई भगवान जी के मंदिर जाने के लिए आगे है ना अभी।
देवनागरी माता के दर्शन भी हो गए हैं बहुत अच्छे से। और जिस टाइम पे हम गए थे काफ़ी खाली खाली था, बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए और आराम से हमने वहाँ पे घूमे। और बट एंड में थोड़ा सा दो चीज़ें हमारे साथ ऐसी कुछ हो गई थी। सबसे पहले एक बार हार्दिक, जब हम झूला झूल रहे थे तो हार्दिक को थोड़ा सा आँख में चोट लग गई थी और अभी वो सो गया है। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा हम रास्ते में आ रहे थे तो एक जगह पे एक बाइक वाला हल्का सा फिसल गया था और तो थोड़ा सा हल्का हमारी गाड़ी से टकरा गया था। बट शुक्र यह है कि कुछ भी किसी को चोट वगैरह नहीं लगी और ना ही गाड़ी पर इतना ज़्यादा कुछ लगा है, हल्का सा स्क्रैच आया है। तो बाकी सारा कुछ अच्छा था और बड़े अच्छे से घूम के अब भैया लोग भी अपने घर निकल चुके हैं और हम भी बस पहुँच ही गए हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।